वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर मौलाना अब्दुल शकूर की गाड़ी को हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई है। तेज़ रफ्तार गाड़ी दूसरी तरफ से आने वाली मौलाना की गाड़ी से टकराई। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, मौलाना की गाड़ी को दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी ने टक्कर मारी। मौलाना अब्दुल शकूर को सर पर शदीद चोट लगी और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। गाड़ी में सवार 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब मैरियट होटल से सेक्रेटेरिएट चौक की तरफ जा रहे थे, तो वो अकेले गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से एक तेज़ रफ्तार काले रंग का जो डाला जिसमें 5 लोग थे, डबल कैबिन गाड़ी थी, वो उनसे टकराई, वो कोलिजन हुआ है और उसी तरफ से उनको हिट किया गया। चूँकि अकेले थे और उसी वक्त मौके पर जो सर पर चोट आने की वजह से उनका इंतकाल हुआ। इसमें मज़ीद तफ्तीश भी जारी है, जो ड्राइवर है वो भी इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है, गाड़ी भी पुलिस के कब्ज़े में है और बाकी भी जो लोग उसमें सवार थे जिनमें से 2 लोग और ज़ख्मी हुए वो भी अस्पताल में मौजूद हैं। मज़ीद भी जो इसमें तफ्तीश होगी, जो चीज़ें होंगी वो आपसे हम शेयर करते रहें।